सनातन फाउंडेशन के चेयरमैन सह करणी सेनों के प्रदेश मंत्री विजय प्रताप सनातन, करणी सेनों के जिला प्रभारी सह झारखंड के संगठन मंत्री राम रंजन सिंह, समाज सेवी मनीष कुमार सिंह, शिवम कुमार एवं संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से कोरोना योद्धा के तहत पुलिस कर्मियों एवं मीडिया कर्मियों को अंग वस्त्र, मास्क एवं सैनिटाइज देकर सम्मानित किया। इस मौके पर संगठन मंत्री राम रंजन सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही इन्होंने फाउंडेशन के द्वारा निस्वार्थ भाव से आम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में जिस तरह अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी एवं मीडिया कर्मी एक योद्धा की तरह आज लोगों की सुरक्षा में जुटे रहे, इनकी जितनी भी तारीफ किया जाए वह कम है। आज यह बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इस बीमारी से बचने के लिए परहेज सबसे ज्यादा जरूरी है। इन्होंने आम लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क पहनने की अपील की ताकि अपने और पूरे समाज की सुरक्षा किया जा सके। इस अवसर पर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी, अवर निरीक्षक विजय शंकर सिंह, सहायक अवर निरीक्षक बी के तिवारी, पत्रकार ध्रुव ठाकुर, वीरेंद्र सिन्हा, कुंदन भगत, प्रीतम सुमन, शंभु दुबे, संजीव कुमार सुमन समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बांका थाना क्षेत्र के लोथम पंचायत के भदरिया गांव में एक युवक महेश यादव की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण एक महिला से अवैध संबंध बताया जाता है। पुलिस ने इस मामले में एक दंपती को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि मृतक के पिता के बयान पर कुल 13 लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि महेश यादव बंगलुरु में रहकर दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। लॉकडाउन के दौरान वह वापस अपने घर लौटा था। गांव में ही एक महिला के साथ उसके अवैध संबंध हो गए थे। बुधवार की सुबह महेश महिला के घर रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद ग्रामीणों ने महेश को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है तथा गांव के ही एक दंपति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस हर पहलू पर छानबीन कर रही है। क्यों ऐसे घटना हुई? ऐसे हुआ है तो मालूम नहीं था, हम तो खुद माँ बहन नहीं जान सके। लेकिन उसके घर में जब सुने तो हम लोग आने भी कोशिश किए तो लोग पूरा गाँव को दिया भाई मारने के लिए हमको घर घुसा दी। मैंने आपके बेटे के साथ कुछ संबंध था? संबंध वो लड़की के साथ संबंध है। अच्छा। 3 साल से कहानी है, मुखिया सरपंच पंचायती भी की है, न लड़का सही बोलता है न लड़की सही बोला। अच्छा। आज उसको बुलवा लिया किसने, जब घर में उसका पति नहीं रहते हुए तब उसको बुला लेता है। हाँ। मैंने कमाई वमाई का पैसा भी सब उसी में 3 साल से उसी में पैसा जाए। आपका बेटा क्या करता था? काम यही काम बेंगलोर कमाता था, काम कर रहा था, कमाता था। लॉकडाउन में आया था? लॉकडाउन में आया था घर में। क्या नाम है आपका बेटा का? महेश यादव। उम्र कितना है? उम्र 20 साल। तो औरत से जो फंसा हुआ है उस औरत का नाम क्या है? उसका औरत का नाम हम नहीं जानते। क्या हुआ था घटना के बारे में? देखिए हमको इसे जानकारी नहीं है, लेकिन हमको जो है उमेश जी और शंभू जी दोनों भाई हमको कॉल किए कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा को जो है बांध के रखा, मारपीट कर रहा है। सो आप आइए, मुखिया जी को फ़ोन किए, सरपंच साहब को फ़ोन किए, ठीक है। वो लोग कोई अभी तक आए नहीं है, लेकिन आप आइए मेरे बेटा को बचा दीजिए, ठीक है। इस ख्याल से हमने तुरंत झट से कपड़ा पहने और गाड़ी लेके निकले और आप पहुँच गए। आए तो उनको हम देखे कि एक खंधाम में उसको बंधा हुआ था, हाथ भी पीछे बंधा हुआ था। आने के साथ साथ हम तुरंत उनको खुलवाए, ठीक है, कि इसको बांध के क्यों रखे। तो बोला कि नहीं, इस तरह का जो है ये प्रेम प्रसंग की बात आ रही है, क्या आपको मालूम है इसके संबंध में? कोई जानकारी नहीं। बांका जिला के चंदन क्षेत्र के तुर्की मोड़ सिमुलतल्ला पति स्थित बधवा गांव के पास मुख्य मार्ग में बना पुल या धसा, यातायात के क्रम में हो सकती है बड़ी हादसा। ग्रामीणों ने बताया कि चंदन प्रखंड को जमुई सिमुलतल्ला से जोड़ने वाला यह मार्ग काफी व्यस्त है तथा इस मार्ग से दर्जनों गांव का आवागमन है। पुलिया धस जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इसे अविलंब दुरुस्त किए जाने की मांग की ताकि बरसात के दिनों में आवागमन प्रभावित न हो। बांका जिला के पंजवारा थाना क्षेत्र के मारा टिकर गाँव में मारा टिकर गोविंदपुर ग्रामीण पथ में सड़क के किनारे गत 2 दिन से हो रहे बालू डंपिंग के कार्य का विरोध बड़ी संख्या में किसानों ने किया। गुरुवार की सैकड़ों की संख्या में डंपिंग ग्राउंड के पास पहुंचे मारा टिकर, सिरादे, गोविंदपुर, केनवा टिकर, गरसरा सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 2 दिनों से उनके क्षेत्र में नदी से बालू उठाव का कार्य चल रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। वहीं पूर्व में भी अपने क्षेत्र से उठाव रोकने के लिए उन्होंने कई वरीय अधिकारियों को आवेदन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे सभी किसान हैं और खेतीबाड़ी से ही उनकी आजीविका चलती है, लेकिन अत्यधिक बालू उठाव होने के कारण नदी गहरी हो जाने से धार में पानी नहीं पहुंचने के कारण
पानी उनके खेतों में नहीं पहुंच रहा है, जिससे जमीन बंजर होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही उन्होंने बालू खनन रोकने और किसानों के लिए चेक डैम बनवाने की मांग भी की है। स्थिर आदमी जो छे बालू घर पर बनाए में जैसे बहुत दिक्कत हो बालू जैसे अब देखे हाउ पारम नहीं है, यो पारम हमारा मैंने भगा उगा के रख लगे बालू बचा कर ओकरों में जैसे है कहाँकर ठेकेदार पता नहीं यहाँ डंपिंग बालू मरा टिकर में जैसे बगबाई फुलवाड़ी से चंदिन मरा बारीक कर बीच में जैसे एक महेश खेत है वह में जैसे बालू हाउ पारस उठाए कर किनारे से उठाइए है पारम धरे है और बालू धरे नहीं अखनी धरे है ओकरा बाद जो बादम की समुचा बस्ती चारो बसेर आदमी दहलाद छे मराठीगत छे नगरी छे सिराजत छे। मद निषेध दिवस पर अमरपुर थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मियों ने थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया, जिसके तहत थाना परिसर में सागवान अमरूद समेत दर्जनों फलदार वृक्ष लगाए गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बिहार में लागू शराबबंदी को पूर्णतः पालन करने की शपथ लेते हुए कहा कि हम लोगों को जहां भी ड्यूटी मिलेगी पूरी ईमानदारी व निष्ठापूर्वक शराबबंदी का पालन करेंगे। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने मौजूद पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस तरह बड़ी तेजी से वातावरण प्रदूषित हो रही है, यह आने वाले समय के लिए काफ़ी चिंतनीय विषय है। वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें तथा शराबबंदी को पूरी तरह से पालन करने के लिए हम लोगों में जागरूकता फैलाएं। शराब पीने से धन के साथ साथ तन की भी नुकसान होता है। इन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जिम्मेदार नागरिक बने और शराब पीने से तौबा कर लें ताकि एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। इस अवसर पर अवर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, विजय शंकर सिंह, सहायक अवर निरीक्षक बीके तिवारी, जमशेद खान, कपिल देव यादव, सुनील कुमार सिपाही, निखिल कुमार, पवन कुमार, कुमारी अलका समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। हसडीहा मुख्य मार्ग में सुबह 4 बजे से ही मालवाहक ट्रकों के आवाजाही के कारण बोसी से लेकर महरानाहाट, लीलावरण, औरैया, मोतीहाट, डफरपुर, भेरा चौक मोर, बाराहाट बाजार, ढाका मोड़ चौक, खरारा ओवरब्रिज, पुनसिया रजोन, जगदीशपुर से लेकर भागलपुर तक महोलम्बा जाम लग गया, जिसके कारण इस मार्ग से दिन भर आने जाने वाले राहगीर से लेकर ऑटो वाले, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल चालक को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एम्बुलेंस वाहन, बैंक कर्मी को घंटों इस महजाम में खड़ा होना पड़ा। इस बाबत इस महजाम को हटाने के लिए कई थाने की पुलिस टीम भी लगातार प्रयास कर रही थी। क्रमशः कड़ी मेहनत के बाद 3 बजे फिर से आवाजाही शुरू हो गई। तब जाकर सड़कों पर चलने वाले वाहन एवं आम नागरिकों ने राहत की सांस ली। प्रकाश कुमार कौन जगह है ये? बराहाट। कब से जाम में फंसे हो? 2 बजे से। 2 बजे रात से? हाँ रात। ये जाम कहाँ से कहाँ तक है? भागलपुर तक कह रहा थे, भागलपुर तक। हाँ। इधर तो पता नहीं सर, उधर नहीं गए। बहुत दूर जाम है, इधर बोसी तक जाम है। कौन चीज़ का जाम है ये? आगे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। और प्रशासन के लापरवाही। अब लोग खाना पीना खाएंगे नहीं खाएंगे? लाल जी राय। ये कहाँ जगह पड़ता है? ये बाराहाट पड़ता है। बाराहाट थाना। हाँ। हमारा सेंट्रल बैंक ना। हाँ। आप लोग जाम में कब से हैं? 2 बजे भोर। 2 बजे भोर से ये जाम कब से कहाँ तक है? ये भागलपुर तक है। भागलपुर तक जाम। हाँ। कौन चीज़ का जाम है? बोल रहा है गरीब टकरा गया। कहाँ? बरारी पुल पे। उधर ड्राइवर पूछते हैं तो बोलता है जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप लोग खाना पीना खाए नहीं? बनाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नया कार्ड वितरण के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सरस्वती कुमारी की अध्यक्षता में प्रखंड के शिक्षकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता, खाद आपूर्ति पदाधिकारी कमल जायसवाल उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि सभी शिक्षकों को पंचायत में डोर टू डोर जाकर नया राशन कार्ड का वितरण करना है। कार्ड वितरण के पश्चात पंचायत प्रतिनिधि से पंजी पर हस्ताक्षर करवाकर प्रतिदिन जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि सूची जिला कार्यालय में भेजा जा सके। एमओ कमल जायसवाल ने बताया कि अमरपुर प्रखंड में कुल 2245 नया राशन कार्ड का वितरण करना है। कार्ड वितरण कार्यक्रम 25 जून से शुरू होना था, लेकिन कार्ड में कुछ त्रुटि होने की वजह से कार्ड वितरण में देरी हो गई। ऑपरेटर के द्वारा कार्ड में सुधार करवा लिया गया है। इन्होंने मौजूद शिक्षकों से भी सभी पंचायत के कार्ड वितरण करने का निर्देश देते हुए कहा कि कार्डधारी से प्रति कार्ड 2 रुपया लेते हुए कार्डधारी का आधार कार्ड
बैंक पासबुक की छाया प्रति लेते हुए दिए गए पंजी में अंकित करना है ताकि भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ कार्डधारी को 100% मिल सके। कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता ने सभी शिक्षकों से सभी लाभकों को पूरी ईमानदारी बरतते हुए कार्ड वितरण करने की अपील की। इस अवसर पर शिक्षक अंगेश कुमार, प्रताप, भानु भास्कर, वेदानंद, हरिजन, लक्ष्मण पासवान, अनिता कुमारी, किरण कुमारी, सचिन कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, सुजीत कुमार, संदीप कुमार सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में प्रखंड के शिक्षकगण उपस्थित थे। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर मोड़ के समीप गुरुवार के दिन दहाड़े लुटेरों के द्वारा ट्रक चालक से 40,000 रुपया छीन लेने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित ट्रक चालक थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी धनंजय चौधरी ने बताया कि वह अपने सहयोगी खलासी सौरभ कुमार के साथ कजरेली से खाली ट्रक लेकर अमरपुर के रास्ते बांका बालू लोड करने जा रहा था। तभी अमरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर मोड़ समीप गंगापुर गढ़ेल गांव निवासी संजय मंडल 4-5 अज्ञात लोगों के साथ लाठी डंडा से लेस होकर रास्ता रोक लिया और मारपीट करते हुए पास में रखे 40,000 नगद छीन कर फरार हो गया। मामले की लिखित आवेदन चालक ने थाने में देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि चालक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही मामले का उद्भेदन करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांका जिला के बोसी थाना क्षेत्र के बाजपुर गांव में अपनी मौसी के यहां आए 10 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना मंगलवार की है। जानकारी के अनुसार गांव के बाहर खरंगा पोखर में 10 वर्षीय झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत फसिया डंगाल निवासी गजाधर ठाकुर का 10 वर्षीय पुत्र मोहन कुमार ठाकुर अपनी माँ रिंकू देवी, दादी कमला देवी सहित अन्य परिजनों के साथ स्नान करने गया था। बताया जाता है कि सब लोग स्नान कर बाहर आ चुके थे। इसी बीच उक्त बालक पुनः तालाब में कूद गया और गहरे पानी में चला गया। देखते ही देखते वह डूबने लगा। परिजनों के द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद निकालकर उसे रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर ऋतिकेश सिन्हा के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के मौसा विनोद ठाकुर ने बताया कि सोमवार को ही वह अपनी मां, दादी, 13 वर्षीय बहन कोमल और 8 वर्षीय भाई मोनू के साथ झारखंड के गोड्डा स्थित फसिया डंगाल गाँव से बौसी में लगने वाले रथ यात्रा मेला को देखने के लिए आया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल से एम्बुलेंस द्वारा जब मृतक के शव को पहुंचाया गया तो ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई। दादी के साथ मृतक की मां मौसी का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। बच्चे के पिता को घटना की जानकारी दी गई। देर शाम पिता के पहुंचने के बाद परिजनों द्वारा शव को गोड्डा स्थित अपने गांव ले जाया गया। बताया गया कि वहां बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा।